ले पानी ले। हमने आपको आंदोलन की हर एक सूरत दिखाई है, किस तरीके से जाम लगाकर नगर की सड़कों पर और गाजीपुर पे जो हमने आंदोलन का 26 जनवरी पे भी दिखाया था, लेकिन ये आंदोलन सब अलग अलग शक्ल में देखने को मिल रहा है। किसानों के ट्रैक्टर जहां खेतों में चलने चाहिए थे आजकल रैलियों में चलते दिख रहे हैं, जहां किसान खेतों में मेहनत करता हुआ दिखना चाहिए था आज वो किसान रेल की पटरी पर बैठता हुआ दिख रहा है। वही सारी चीज़ों की बातचीत करते हैं, हमारे साथ मोदी नगर से ताऊ हैं जो काफ़ी विभागी से बातचीत करते हैं, बिल्कुल सीधा साफ अपनी बातों को रखते हैं। उनसे जानते हैं कि आज जो रेल आंदोलन कर रहे हैं उसमें कहीं हिम्मत तो नहीं हार गए ताऊ? पूरा हिम्मत की बात कर रही हूँ, तब नक सबाड़ा हिम्मत हार रहे हैं हम, हिम्मत ना हारा दिखा जो खड़े रहेंगे बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे और रेल के दिखा जो हाथ लगा कर रोक देंगे आवे तो सही। हमारा किसान कोई भी हटने वाला नहीं है, नौजवान बच्चा हटने वाला नहीं है और मेरी 70 साल की उम्र है अभी तो मैं ही हटने वाला पीछे न ना हूँ। और इस मोदी निकम्मी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को यू दिखा देंगे, हे मोदी की, हे भाजपा की, हे आरएसएस की सरकार, तुझे ये दिखा देंगे जो पंजाब में आई ना आया है उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिखा देंगे और आने वाले समय में जो सांसद मुस्लिम और सिख और ईसाई आज सब एक हो चुके हैं और ये नुकसान किसान का नहीं है, ये नुकसान जो है जो ठेली पटरी वाले हैं, जो हमारे फल फ्रूट बेच रहे हैं, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो किसान हैं, जिनकी जनसंख्या 122 करोड़ है आज की तारीख में इस मोदी सरकार निकम्मी चू, इस योगी सरकार चू 122 करोड़ आदमी परेशान हैं। और ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जन आंदोलन है और ये इस मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा और इसी निकम्मी सरकार को गुजरात भेजने का काम पैदल करेगा। ये हवाई जहाज से नहीं जाएंगे। ये किसान आंदोलन कैसे है? सरकार तो कहती है आप तो आंदोलन जीवी हैं, आप कहाँ से? सुनो मेरी बात सुनिए, फिर क्या सुनिए, कान खोल के है। उसको कहता है मेरी 56 इंची की छाती है, वो हमारे सामने आवे यहाँ रेल के ट्रैक पे बैठ कर बात करें और हम उससे यहाँ बात करेंगे, वहाँ कोठी में बैठ कर वो कुछ भी कह दे हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारी सुनिए बात, उसकी है 35 इंची की छाती और मेरी है 68 इंच की छाती। क्यों मैं बिल्कुल ठुम्मे ट्रैक के बीच में बैठ जाऊँ? अगर मोदी जी आप ये कह रहे हैं कि वे जमात है वे आंदोलन की भी है तो आप सामने आके बात करिए, उसका जवाब हम सामने देंगे जब मोदी जी हमारे सामने सड़क पर आकर बात करें। 11 बार बोला तो था, 11 बार बात करने के लिए। ये देखिए हमारी बात तो सुन ले, वे 11 बार कोई बात हो रही है ऐसा ना हुआ करती है बात, वो रेल के ट्रैक पर आकर यहाँ ट्रैक आकर बात करें और हम जब बात दिल्ली जब बात करेंगे या धरना स्थल वहाँ आवे गाजीपुर आवे। 26 जनवरी में आपने ट्रैक्टर रैली निकाली थी जी, अब आप लोगों ने रेल रोक आंदोलन शुरू किया है, अब आगे की कार्रवाई भी कुछ रहेगी? ऐसा है आगे आदेश का पालन तो करेंगे जो हमारी हाईकमान करेगी, जो हमारी सिसोली की राजधानी है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी या राकेश टिकैत जी जो आदेश करेंगे पालन तो हम वो करेंगे। पर अब ये आंदोलन ऐसा नहीं है रेल रुकने तक है, ये आंदोलन ऐसा होगा एक दिन ऐसा आवेगा बहुत जल्दी आप तम लोगों को ये पता चल जाएगा। अब 26 स्टेट के अंदर 122 करोड़ आदमी ये सड़क पर खड़ा मिलेगा और सड़क के ड्राइव जो बस के ड्राइवर हैं, रेल के ड्राइवर हैं, हवाई जहाज के ड्राइवर हैं, वे छोड़ के अलग खड़े हो जाएंगे। हे मोदी सरकार तेरा तो मामला डावाडोल हो चुका है, अब तेरा कुछ भी नहीं है, अब ये तो जन आंदोलन हो चुका है। जैसा हमने अंग्रेज भगाए हैं ऐसी ये जो सरकार निकम्मी आरएसएस की है इनको भगाने का काम करें। 26 नवंबर से शुरू हुआ आंदोलन, उसमें किसानों को कड़ाके की ठंड में वहाँ बैठे रहे, ठंड में अब गर्मी आ गई है, गर्मी में धूप में बैठे हैं, क्या किसान परेशान ही रह गए सरकार में? ऐसा सुनो सही, अगर परेशान ना होता तो हम क्यों बैठते इस बुग्गी और बहरी सरकार को? यही तो दिखा रहे, अभी तो कुछ भी धूप ना है, हम जेठ के महीने में भी इस सड़क पर बैठेंगे, ऐसी रेल की पटरी पर बैठेंगे और इस सरकार को ये दिख जाएगा। देखिए मेरे आया सब कुछ और इस सरकार को ये दिखा देंगे और सरकार किसानों के विरोध, तुमने जो ये कदम उठाया है अब लो सरकार ने क्या हाथ गिर रही, कभी तो लाल तो उस पर
मुहाल की पिंडी पर हाथ गेर दे कर पिंडी जो हटा दे वे पाकी से और उसमें सेहत बिक रहा है उसे चूपड़े का काम करती थी। अब जो इन्हें लाल ततैये के अंदर हाथ गेर दिया है और ये लाल ततैये इसे ऐसा काटेगा उसमें टट्टी है, अब ये बुरक मारेगा तो टट्टी में मारेगा। इस मोदी सरकार को ये नहीं जगह किसान भी कोई चीज है या नहीं। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है किसान साथ देंगे सरकार का या नहीं देंगे? ना हम इस पंचायत चुनाव में सहायता करें, ना विधायक चुनाव में सहायता करें, ना जिला पंचायत में करें, ना नगर निगम में करें। और इंतु ये कहेंगे, हे निकम्मी सरकार, जो विधायक और एम पी एम एल ए होंगे, तुम्हारा ऐसा कार्यकाल रहा, तुमने 4 साल के अंदर मात्र 10 रुपए बढ़ाए गन्ने के और डीजल पर बढ़े हैं के नाम 40 रुपए। आप कैसी सरकार, क्या हमारे नुमाइंदे? अब ऐसे नुमाइंदों को हम नहीं चुनेंगे, अब और नुमाइंदे जाएंगे जो हमारी सरकार में ऊपर जाकर लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे नुमाइंदे वहाँ भेज देंगे नकलों में या दिल्ली। तो आप राजनीति में उतरने के सोच रहे हैं क्या? ना ना ना, मैं अरे सुनिए किसान, मेरी बात सुनिए, हमारे पास एक वोट का हथियार है, हम ऐसे वहाँ किसानों के बेटे बनाएंगे जो हमारी किसानों की लड़ाई पहले बका लिए। किसानों के तो हमारे बालक ना है, पहले बका लिए तो हमारे भी हैं, हम ऐसे चुन कर भेजेंगे जो हमारी लड़ाई करेंगे। तो क्या लगता है कि आपकी चुनी हुई सरकार जो आएगी वो आपकी बात सुनेगी? हाँ बात अच्छा सुनो, मैं सगली सरकार ने सुनी, ऐसी 70 साल की मेरी उम्र होगी, ऐसी निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी। ये वाली सरकार भी तो आपने चुनी थी, सुन तो ले, जैसा चुन दी तेरे माथे तक लिख रहा, हमने तेरी इसके आगे करी तू कुछ और गड़बड़ कर दे, हमने यूँ सोची कि चुनी भी अच्छा करेगा, यूँ सबका भूखा लिख रहा, बता हम क्या दूसरी बार में क्या हुआ? सुन तो ले, दूसरी बार भी सुन दे मत कह, तू बारक भी दग दिया, आपका दिखा देंगे, अब सारा जो चलू जो दिख रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो चुके हैं और अब किसान बिरादरी आने वाले समय में ये सड़क पर घूमने का काम ये आपने देखा किस तरीके से ताओ ने बिल्कुल साफ तौर पे बता दिया है कि किस तरीके से भाजपा का आविष्कार करने के लिए तैयार बैठे हैं। वही आप देखते हैं कि सरकार इस रेल आंदोलन से कितना झुकाव अपने आप को मानती है। जुबैर के साथ अफसर प्राइम इंडिया गाजियाबाद।